इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। नन्ही गोपाल, अमर बलिदानी, बालक कहिए किशोर कहिए, कल हमने क्या देखा कि जब बड़े बड़े क्रांतिकारी योजना बना रहे हैं कि उस महान दुष्ट अंग्रेज ऑफिसर को जिसने आतंक मचा रखा था, क्रांतिकारियों के पकड़ने के नाम पर कहीं भी किसी भी घर में घुस जाता था और इतना उसने भय का, आतंक का, अत्याचार का वातावरण बना रखा था कि लोग सचमुच में आक्रांत थे। कुछ लोगों के मन में तो आ रहा था कि इससे कैसे बदला लिया जाए, सोच ही रहे थे। उसी एक मीटिंग के अंदर ये नन्ही गोपाल भी सबसे छोटा बोलता है, मैं उससे निपटूंगा। कल का मैं इतना ही आपके सामने रखूंगा कि वो जेलर बारी की सेलुरल जेल अंडेमान में पार्लर जेलर बारी के साथ इसका जो मुकाबला होता रहा, वो अत्याचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ता रहा और ये सहनशीलता के रिकॉर्ड बनाता रहा। हठ से, आत्मबल से, आध्यात्मिक शक्ति से उनके बड़े से बड़े अत्याचार को भी कुछ समय के बाद उसी समय अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, उसी को जीने लग पड़ना। वो इरिटेट होता था जेलर बारी के, इसको कुछ भी करो और ये अपने ढंग से उसको कर लेता है, ये अत्याचार तो छोटा नहीं होता था। करते 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 कल मैंने बताया था किस किस प्रकार के उसने अत्याचार, उसके सारे कपड़े खुलवा दिए, क्या क्या किया। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं जेलर बारी, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जेलर बारी ने क्रोध में आकर इस बालक को, इस किशोर क्रांतिकारी को एकांतवास की कठोर सजा घोषित कर दी। उस एकांतवास का मतलब क्या था? जेलर बारी ने सभी कैदियों को बता दिया कि इसके साथ कोई बात नहीं करेगा, ये बात करता है तो कोई सुनेगा नहीं और कोई इसको बुलाएगा नहीं। उसका एकांतवास का मतलब यह था। इसने और एक कदम आगे बढ़ करके, नन्ही गोपाल ने और एक कदम आगे बढ़ करके क्या किया, उस कोठरी से बाहर आना ही छोड़ दिया। कोई तो इसके पास बात करने के लिए नहीं जा सकता था, मना था, ये बाहर ही नहीं निकला किसी से बात करने के लिए। एकांतवास की उस सख्त सजा को, बहुत सख्त दंड को भी उस काल कोठरी के एकांतवास में ही व्यतीत करता रहा। स्वयं ही ये प्रतिज्ञा कर ली, क्या प्रतिज्ञा कर ली, कि वे कोठरी से बाहर निकलेंगे नहीं, ना ही किसी से बात करेंगे। जब ये सारे दिन कोठरी में अकेला पड़ा रहता तो कैदी आते जाते स्वतः ही उनके मुंह से बरबस निकला, पहले की सजाएं, दंड, अत्याचार भी वो देख रहे थे। उसका साहस, उसकी हिम्मत, उसका हठ, उसका आत्मबल, ये सब वो देख ही रहे थे इस बालक का। बाकी कैदी साहस और अद्वितीय सहन शक्ति का, जो को सहन शक्ति की पराकाष्ठा देखकर उन कैदियों के मुंह से बरबस एक शब्द निकला, अरे नन्ही गोपाल तो महात्मा है। महात्मा नन्ही गोपाल के नाम से उन कैदियों की जुबान पर उसके बाद स्वतः ही ये शब्द निकलने लगा। लेकिन बारी ने, जेलर बारी ने सोचा कि किसी भी सजा का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, किसी भी दंड का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, ये हर कठोर सजा को अपने ढंग से उसी में ढाल लेता है। और बाकी कैदी ये कहते थे कि ये कितना बड़ा महात्मा है कि इसके लिए सुख और दुख कोई दोनों ही
वस्तुएं कुछ है ही नहीं, बड़े से बड़ा कष्ट अत्याचार भी सी नहीं करता ये, और थोड़ी देर के बाद उसी को जीने लग पड़ता है। अपने ढंग से वो उस सजा को वो बना लेते थे, ढाल लेते थे। जेलर ने कैदियों को आदेश दिया, एक और नया क्रोध, एक और नई उसकी नीच योजना, षड्यंत्र, दुर्भावना। वो क्या, कैदियों को बोला कि इसको खारे पानी के टैंक में डाल दो। खारा पानी के टैंक में डाल के बाहर निकाल के नंगा शरीर नारियल के खुरदरे छिलकों से उसको छीला जाने लगा। शरीर लाल हो गया, कितनी ही जगहों से खून निकल पड़ा। उस खारे पानी से शरीर निकालने के बाद नारियल के खुरदरे छिलकों से ये सारा चल रहा था। सी नहीं किया, वो बाजुए कातल का जोर चल रहा था, ये उसको सहन कर रहा था। क्योंकि उसका शरीर रगड़ने का आदेश दिया था जेलर बारी ने, सारे कैदियों को कहा था कि इसको इस तरह से करो। शरीर की चमड़ी जगह जगह से छिल गई थी, खारे पानी से जलन भी अनुभव हो रही थी, लेकिन ये बालक, ये किशोर शांत मुद्रा से सब सहता चला गया। जितना ये सहता चला जाता उतना ही जेलर बारी छटपटाता कि मैं इसको कहीं से भी परास्त नहीं कर पा रहा, कहीं भी मैं इसको समर्पण के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा, कहीं भी ये डर से भयभीत होकर, आतंक से, खौफ से कहे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, जो कहोगे वो मान लूँगा। नहीं, तुमको जो सजा देनी है वो दे लो। जेलर का जब कहीं भी कोई वश नहीं चला तो उसने अंतिम दाव खेला। एक नन्ही गोपाल को सेलुलर जेल से निकालकर एक पुरानी खंडर नुमा जेल में डाल दिया गया, ठूंस दिया गया, फेंक दिया गया। वो क्या था, वो एक भयानक जगह थी। जंगल के मच्छर, जहरीले कीड़े, समुद्री ज्वार भाटा की गड़गड़ाहट, ना आदमी सो सकता था ना जाग सकता था। ऐसी विकट परिस्थिति में फंस चुके थे नन्ही गोपाल, कोई बात करने वाला नहीं। और जो मैंने सारा बताया है, अब ये उसका आखिरी हथियार था। लेकिन वारे कर्म योगी, बाल कर्म योगी, वाले किशोर कर्म योगी, तुमने सिद्ध कर दिया कि कर्म योग और सन्यास केवल धर्मात्माओं की ही थाती नहीं है, उन्हीं की उसके ऊपर कब्जा नहीं है। ये जो है ये सब बातों से ऊपर उठकर बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मनीषी जंगल में जाके गिरी कंदराओं में बैठ करके शरीर को कष्ट दे करके जिस समाधि की ओर, जिस बात करती हैं वो उसकी मोक्ष प्राप्ति की, वो कठिनाइयां, वो कष्ट तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। वो जन्म जन्मांतरों से मुक्त होने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, ये कष्ट, ये पीड़ा, ये दंड, ये सजा, ये तो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कष्टकारक है, परीक्षा है आत्मबल की, सहनशीलता की। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाएं भी उसी उच्च पद को प्राप्त करती हैं, स्वतः ही वो प्राप्त कर लेते हैं जैसे वो महात्मा। और उन महात्माओं से भी ज्यादा स्थान शायद भगवान की नजर में कोई स्वार्थ नहीं अपना, और अपने मोक्ष के लिए भी नहीं काम करते निष्काम, अपने मोक्ष के लिए तपस्या, जंगल, गिरी कंदराएं, कष्ट
अरे 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 अरे, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, उनको मोक्ष प्राप्ति का तो होगा ना, इनको तो वो भी नहीं। ऐसा ही उच्च पद प्राप्त कर चुका था नन्ही गोपाल अंडेमान का ये महात्मा। केवल नन्ही गोपाल ही नहीं, ना जाने कितने ज्ञात और अज्ञात, वो विप्लवी, वो क्रांतिकारी वीरों ने राष्ट्र धर्म निभाते हुए किस प्रकार से अपने आप को न्योछावर कर दिया, किस प्रकार से अपने आप को आहुत कर दिया। वो जंगल, वो रास्ते, वो जेले, बाद में वो तीर्थ बन जानी चाहिए थी आजादी के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन सत्ता के लोभियों ने, जिन्होंने भारत माँ को खंडित होना भी स्वीकार कर लिया, उनसे हम क्या आशा कर सकते थे कि इन कैदियों के ऐसे कष्टमय, साधनामय, तपस्यामय, कंटकाकील मार्गों पर चलते हुए किस प्रकार से उन्होंने ज्ञात, अल्प ज्ञात, अज्ञात, ये सब लोगों ने जरा भी कुछ चाह नहीं रखी। लेकिन ये होना चाहिए था कि इसके बाद इन लोगों का नाम इतिहास में भी आता, इनकी वीरता, इनका शौर्य, इनका त्याग, इनकी तपस्या, इनके कष्ट, इनका हठ, इनकी सहनशीलता, और देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित, तन मन धन से समर्पित, तन मन धन और जीवन से समर्पित। क्या बोलते होंगे ये एक लाइन में, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कमाल के ये विप्लवी, ये क्रांतिकारी, ये महान आत्माएं, देश को नहीं बताया गया कि आजादी इन लोगों के कारण मिली है, गांधी और नेहरू के कारण नहीं मिली। असली कष्ट सहने वाले, चुनौतियां देने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ बराबर उनकी भाषा में बात करने वाले, तन मन धन सारा आहुत करने वाले, सब कुछ न्योछावर करने वाले, इन महान क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। जब और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो नन्ही गोपाल ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। वहां तो कोई भी नहीं, जो खाना मिलता था बस उसी को बताया गया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। दिन पर दिन व्यतीत होते चले गए, अकेले भूखे प्यासे पड़े रहते, वजन घटता चला गया, शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। कभी माँ की याद सताती, ये भाग की याद, भारत माँ की याद, अरे मेरी बेड़ियाँ क्या हैं, मेरी भारत माँ भी तो बेड़ियों से युक्त है, मैं फिर जन्म लूंगा और भारत माँ की बेड़ियों को काटने के लिए फिर कटना पड़ा तो कट जाऊंगा। इस अवस्था में भी भूखे प्यासे हड्डियों के जर्जर ढांचे में भी यही मुंह से निकल रहा है, माँ की बेड़ियां काटने के लिए ही तो मैंने बेड़ियां पहनी हैं। इसी प्रकार का विचार मुद्राओं में डूबते हुए पूरे 2 महीने जीवन से संघर्ष करते रहे, आखिर शरीर ने जवाब दे दिया। अक्टूबर 1919, बैसाखी का दिन 1919, अमृतसर का आपको याद होगा जलियांवाला बाग, ये भी अक्टूबर 1919 को
ये अंडेमान का महात्मा, जो बाकी कैदी इसको महात्मा बोलते थे, ये अंडेमान का महात्मा नन्नी गोपाल अमर बलिदानी, ये क्रांतिकारी चिर निद्रा में लीन हो गया, हमेशा की नींद सो गया। सोचिए जरा अपने देश से दूर इन अवस्थाओं में जहां आशा की कोई किरण नहीं, किरण वैसे भी नहीं, अंधेर कोठरियों में रखा जाता था, और आखिर में जिस जगह रखा गया टूटे हुए खंडर में, क्या अवस्था थी, क्या क्या होता था, क्या क्या महसूस होता था, कैसे वो मच्छर और जंगली कीड़े और कैसे वो ज्वार भाटा की गड़गड़ाहट की आवाज़, कोई सो ना पाए, दुखी होकर परेशान होकर के जेलर बारी से माफ़ी मांग ले। परंतु ये महात्मा भी तो किसी और मिट्टी का बना था। नन्नी गोपाल उसी श्रृंखला में, उसी पंक्ति में एक और नाम जुड़ गया, एक से एक बढ़कर, एक से एक बढ़कर। मैं जो आपके सामने सारे नाम ला रहा हूँ, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी कर्मठता, उनका परिश्रम, उनका आत्मबल, उनका जेल के अंदर, जेल के बाहर, फांसी के तख्ते के ऊपर, जेल के अंदर, कहीं भी किस भी तरह से पूरी तरह से संघर्ष करते हुए, जूझते हुए अंतिम श्वास पूरे कर गए। किसके लिए? भारत माँ को स्वतंत्र कराना है, अंग्रेजों को उसकी भाषा से ही बोल करके समझाना है, उनको उड़ाना है, उनके साथ लड़ना है, भीख नहीं मांगनी जो उस समय के गांधी और नेहरू मांग रहे थे। हाँ, बाल गंगाधर तिलक के कारण थोड़ा सा परिवर्तन आया था, वो विपिन चंद्र पाल के कारण भी आया था, लाला लाजपत राय के कारण भी आया था, परंतु ये तीनों कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं हुए। और क्रांतिकारियों के तो ये सरताज बन गए तीनों, लाल बाल पाल। इसलिए कांग्रेस ने, कांग्रेस किसने शुरू की और कांग्रेस क्या करती रही और कांग्रेस ने आज़ादी के बाद क्या किया, ये सारा इतिहास आप लोगों के सामने है। नेहरू और गांधी की जेल वीआईपी जेल थी, एक लाठी तक नहीं खाई, और हम कहें इन्होंने आज़ादी दिलवाई है। ये सारा मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, 190 वर्ष का इतिहास अभी लिया है, 1757 से 1947, 190 वर्ष का, अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के चले जाने तक, वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस 1857 से 1947, मैंने 90 वर्ष का इतिहास पहले आपके सामने रखा है। अभी भी ये इतिहास वही चल रहा है। इस 190 वर्ष के इतिहास में अगर मैं 200 क्रांतिकारी वो आपके सामने ला रहा हूँ जिनको कोई नहीं जानता, तो मेरा लक्ष्य तो और आगे बढ़ने का है। सिंध के राजा दाहिर से, जिसने 5 बार विदेशियों को, विधर्मियों को इस ज़मीन पर पैर नहीं रखने दिया, भारत माँ के पवित्र शरीर को छूने नहीं दिया, 5 बार परास्त करके, 4 बार परास्त करके भेजता रहा, 5वीं बार अपने ही एक गद्दार के कारण, मुखबिर के कारण उसको परास्त होना पड़ा, पर उसकी 2 बहादुर बेटियों ने जो करिश्मा किया, उसके बाद जो यहाँ विदेशी विधर्मियों के साथ बराबर लड़ते रहने का, संघर्ष करते रहने का, और जिन वीर लोगों ने शौर्य और वीरता की, शौर्य शिखर पर बैठे हुए, पराकाष्ठा पर बैठे हुए उन महान तपस्वियों ने जो जो कार्य किया, वो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।